अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चा भुलिया पॉपकॉर्न। हम घर में ही बनाएंगे ताकि बच्चे बाहर से ना खाएं। तो सबसे पहले हमने इसमें घी डाला है, फिर हमने इसमें डाला है नमक। तो वो आपके हिसाब, अपना नमक अपने हिसाब से डालना, क्योंकि इसमें ना नमक तेज़ भी हो सकता है। हमने पॉपकॉर्न देखने कितने हैं उसके हिसाब से नमक डालना है। एक चम्मच घी डाल के उसमें एक चम्मच ही नमक डाल देना। इसके बाद आपने बनाने हैं पॉपकॉर्न, इसमें वो डालना है। इसमें नमक को अच्छी तरह मिक्स करके, ये गुठलियाँ थी ना इसमें नमक में, तो इसलिए इसको मैं मिक्स कर रही थी। इसको मिक्स करके इसके बाद इसमें डालने हैं पॉपकॉर्न्स। तो ये दानेदार जब पहले होंगे, दानेदार होंगे, इसके बाद जब फूलेंगे वो फिर पॉपकॉर्न्स की शक्ल ले लेंगे। अब ये दाने डाल दिए इसमें। तो इसमें दाने डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जब थोड़ा सा ये फूलने लगेंगे, एक दो जब फूलेंगे यानी कि पटाखे बजेंगे, फिर हमने इसको ढक्कन दे के बंद कर देना। अब ये फूलने लगे हैं, हम इंतज़ार करें इनके फूलने का। तो अब ये फूलना शुरू हो रहे हैं, इसमें हम डालेंगे अब ढक्कन दे के रख देंगे इसको। ये खुद ही पटाखे इनके बजेंगे और ये बाहर निकलेंगे। ये देखें, ये बन चुके हैं पॉपकॉर्न आपके सामने, फूल रहे हैं अभी भी, कुछ रह गए होंगे ना वो फूल रहे हैं अभी। तो ये 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अभी घर में बनाएं बच्चों के लिए, बच्चे एंजॉय करेंगे घर में ही बनाएं। जो भी बच्चों के लिए चीज़ आपने स्नैक्स कोई भी बनाने हो, कोशिश करें आप घर में ही बनाएं। घर के फूड्स हेल्दी फूड्स होते हैं। बच्चों को मैं दे रही हूँ उनके लिए, वो खुश हो रहे हैं कि आज हमारे मामा ने हमारे लिए क्या बना दिया।